लोकतांत्रिक देश में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन अभी सवाल ये मुझे लगता है इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हम हमारी जो जिम्मेदारी है ना, हम कितना प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है कि सेंटर में जो है वो अध्यापक है, अगर अध्यापक चाहेगा ऐसी स्थिति में भी अगर अध्यापक चाहेगा वो खुद लोकतांत्रिक होगा तो मुझे लगता है कि वो स्कूल में कुछ अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि लोकतंत्र में सभी का साझा होता है ना, साझा चूल्हा बोलते हैं उसको ना, तो साझा चूल्हा है तो फिर साझे चूल्हे में किसी की लकड़ी भी होगी, किसी का गुस्सा होगा, किसी का आग होगी, किसी का लोई होगी, किसी की रोटी होगी, किसी का तवा होगा, किसी के प्रांत होगी, कटोरियां, चम्मच सब होगी ना। तो जब साझे चूल्हे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति हमें स्कूल में बनानी पड़ेगी। वो बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है, मैंने इस पर थोड़ा काम भी किया था, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तहत कुछ ऐसी जीवनशाला चलती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम बच्चों से नियम कायदे कानून बनाते थे। जैसे हाँ, हमारे देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून है ना, तो ऐसे ही हमारे स्कूल को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाने में बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे तय करेंगे कि हमारी कक्षाएं जो है ना किस डिजाइन की होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने किसी को पीट दिया या कोई समस्या आ गई तो उसका निवारण कैसे होना चाहिए, ये भी बच्चे ही या वो पूरा ग्रुप तय करे, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अध्यापक पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित है कि फला फला समाज के बच्चे तो कभी पढ़ ही नहीं सकते जीवन में, तो फिर तो हो गया भला, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक जो सेंटर में है वो चाहेगा तो अपने स्कूल को बिल्कुल बदल सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में एक सहयोग कर सकता है। लोकतांत्रिक देश में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन अभी सवाल ये मुझे लगता है इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हम हमारी जो जिम्मेदारी है ना, हम कितना प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है कि सेंटर में जो है वो अध्यापक है, अगर अध्यापक चाहेगा ऐसी स्थिति में भी अगर अध्यापक चाहेगा वो खुद लोकतांत्रिक होगा तो मुझे लगता है कि वो स्कूल में कुछ अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि लोकतंत्र में सभी का साझा होता है ना, साझा चूल्हा बोलते हैं उसको ना, तो साझा चूल्हा है तो फिर साझे चूल्हे में किसी की लकड़ी भी होगी, किसी का गुस्सा होगा, किसी का आग होगी, किसी का लोई होगी, किसी की रोटी होगी, किसी का तवा होगा, किसी के प्रांत होगी, कटोरियां, चम्मच सब होगी ना। तो जब साझे चूल्हे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति हमें स्कूल में बनानी पड़ेगी। वो बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है, मैंने इस पर थोड़ा काम भी किया था, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तहत कुछ ऐसी जीवनशाला चलती थी, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम बच्चों से नियम कायदे कानून बनाते थे। जैसे हाँ, हमारे देश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून है ना, तो ऐसे ही हमारे स्कूल को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाने में बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे तय करेंगे कि हमारी कक्षाएं जो है ना किस डिजाइन की होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने किसी को पीट दिया या कोई समस्या आ गई तो उसका निवारण कैसे होना चाहिए, ये भी बच्चे ही या वो पूरा ग्रुप तय करे, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अध्यापक पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित है कि फला फला समाज के बच्चे तो कभी पढ़ ही नहीं सकते जीवन में, तो फिर तो हो गया भला, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक जो सेंटर में है वो चाहेगा तो अपने स्कूल को बिल्कुल बदल सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में एक सहयोग कर सकता है।